अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिफ खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कैनेडियन हुकाम फरार होने वाले अफगानियों को नज़रअंदाज ना करें। साबिक कैनेडियन फौजियों का कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा। साबिक कैनेडियन फौजियों का कहना है कि कैनेडा की मदद करने वालों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। जीटीए में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक ग्रोहों के 24 कारंदे गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत का चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया। मुलजमान पर 54 इल्जामात आयद किए गए हैं। कैनेडियन वजीर आजम और जर्मन चांसलर रवा माह मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा कैनेडा में अपनी नौयत के जदीद तवानाई मंसूबे की बुनियाद रखेंगे। जर्मनी को तवानाई के नए जराए तलाश करने में मदद मिलेगी। अमरीकी कानून साजों का एक और वफ्द ताइवान पहुंच गया। अमरीका ने इस दौरे को ताइवान के लिए अपनी हिमायत की मजीद तौसी करा दिया है। ताइवान की सदर और वजीर खारजा ने अमरीकी वान कांग्रेस के वफ्द को दौरे की दावत दी थी। अफगानिस्तान में तालिबान के इक्तदार का एक साल मुकम्मल। मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। तालिबान हुकूमत ने 15 अगस्त को यौम फतह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में तालिबान अमीर की जानिब से नामजद करदा उबूरी काबीना उमूर मुमलिकत चला रही है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. Ghar mein sabki healthy life ke liye और वाइफ के लिए Greenish Natural Health, एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली। Greenish Natural Health, हेल्प यू लिव مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com। ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کینیڈا کے سابق فوجیوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کرنے والے افغانوں کو نظر انداز نہ کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ काबुल के जवाल के एक साल बाद कनाडा के साबिक फौजियों ने ओटावा पर जोर दिया कि वो फरार होने की कोशिश करने वाले अफगानों को नज़रअंदाज ना करें। एक कैनेडियन साबिक फौजी जिसने अफगानिस्तान में खिदमत अंजाम दी, मैकडोनल्ड गैर मुनाफा बख्श तंजीम की नुमाइंदगी करते हैं। कनाडा के साबिक फौजियों और साबिक तर्जुमानों का ग्रुप पनह गुजीनों को कनाडा में महफूज मकाम तक पहुँचाने के लिए गुज़िश्ता साल से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, जब हम एक साल पहले उन्हें बाहर नहीं निकाल सके तो ये तबाहकुन था, लेकिन इसके बाद से हम इकट्ठे हुए हैं, हम दुगने हो गए हैं और 3000 लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन ये एक सुस्त और ख़तरनाक अमल रहा है जब इन मुहाजरीन को पासपोर्ट हासिल करने के लिए तालिबान से गुजरना पड़ता है। मैकडोनल्ड ने कहा, ये लोग जिन्होंने कनाडा की मदद की है उन्हें अब खड़े होकर तालिबान के जेर कंट्रोल दफ्तर में जाना होगा और अपना नाम और पता और अपने बच्चों की तारीख पैदाइश देना होगी। ये करना बहुत खतरनाक चीज है। कनाडा ने इब्तदाई तौर पर 40,000 अफगान पनाह गुजीनों को कनाडा लाने का अहद किया, उन अफगानियों पर तवज्जो मरकूज करते हुए जिन्हें कैनेडियन हुकूमत और फौज ने मुलाजमत दी थी। आज तक वफाकी हुकूमत का कहना है कि इसने 17,300 का खैर मकदम किया है। वजीर इमिग्रेशन के तर्जुमान ने कहा कि अफगान मुहाजरीन के लिए कनाडा का मंसूबा दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है,
लेकिन वफाकी हुकूमत को इन अफगानों की मदद के लिए मजीद कुछ ना करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, जिन्होंने नेटो की क़यादत में कनाडा की मदद की थी और अब मगरबी ममालिक से ताल्लुकात की वजह से तालिबान के हाथों मारे जाने का खतरा है। पुलिस ने GTA में मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वज़ ग्रोह के 24 कारंदों को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पुलिस ने GTA में मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वज़ ग्रोह के 24 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। पील रीजनल पुलिस का कहना है कि पूरे ग्रेटर टोरंटो एरिया में ट्रैक्टर ट्रेलर कार्गो की चोरी और दीगर पर तशद्दुद मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए मुबैना तौर पर जिम्मेदार एक जराइम ग्रुप के सिलसिले में 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2022 के अवाइल में पील रीजन और GTA में काम करने वाले एक मुनज़िम मुजरिमाना गिरोह के बारे में तफ्तीश शुरू की, जिसके लिए क्रिमिनल इंटेलिजेंस सर्विस ऑन्टेरियो डिपार्टमेंट से फंडिंग के जरिए एक खसूसी प्रोजेक्ट टीम बनाई गई। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मशतूबा अफराद ने पूरे जनूबी ऑन्टेरियो में अराकीन को भर्ती करने और मुजरिमाना कार्रवाइयों के इर्तिकाब के लिए तशद्दुद धमकी और माली इनाम का इस्तेमाल किया। ये ग्रुप हथियारों के मुतादिद वारदातों कार्गो की चोरी और मुंशियात की स्मगलिंग के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। पुलिस ने बताया कि तहकीकात के नतीजे में ग्रुप से मुश्तबा ताल्लुक रखने वाले 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया और कुल 54 इल्जामात आयद किए गए। इल्जामात में मौत की धमकियां देना, भारी भरकम ममनुआ या महदूद आतिशी असलहा रखना, $5,000 से ज्यादा की चोरी और धोखा दही से मुतालिक दीगर इल्जामात शामिल हैं। तफ्तीश कारों का कहना है कि 14 जायदादों की तलाशी के वारंट लिए गए, जिसके नतीजे में आतिशी असलहा कब्जे में ले लिया गया, जिनमें एक आरी बंद शॉटगन, $1.1 मिलियन से ज्यादा मालियत की 10 चोरीशुदा गाड़ियां, चोरीशुदा हेटिंग और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स जिनकी मालियत $4,60,000 से ज्यादा है और $25,000 से ज्यादा मालियत के गैर कानूनी अद्वियात शामिल हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और जर्मन चांसलर इस माह के आखिर में न्यूफाउंडलैंड में माहौल दोस्त तवानाई के एक मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स इस माह के आखिर में न्यूफाउंडलैंड में माहौल दोस्त तवानाई के एक मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं, जो कैनेडा की नौजायदा हाइड्रोजन सनत के लिए अहम साबित हो सकता है। जर्मन हुकूमत की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि इस मुआहदे पर 23 अगस्त को स्टीफन विल में दस्तखत किए जाएंगे, जहां न्यू फाउंडलैंड में कायम एक कंपनी जीरो एमिशन प्लांट बनाने का इरादा रखती है, जो बरामद के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया पैदा करने के लिए हवा की तवानाई का इस्तेमाल करेगा। अगर मंजूरी दी गई तो ये मंसूबा कनाडा में अपनी नौयत का पहला मंसूबा होगा। जर्मनी तवानाई के नए ज़राए तलाश करने का ख्वाहां है, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में कुदरती गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ रूस ने अपने यूरोपीय सार्फिन के लिए कुदरती गैस के बहाव को कम कर दिया है, जिससे सप्लाई में कमी के खदशात पैदा हो गए हैं। दरी असना न्यूफाउंडलैंड प्रोजेक्ट के पीछे वाली कंपनी वर्ल्ड एनर्जी GH2 ने कहा है कि तजवीज के पहले मरहले में स्टीफन वेल में गहरे समंदर की बंदरगाह पर हाइड्रोजन की पैदावार की सहूलत को पावर करने के लिए 164 साहिली विंड टर्बाइंस बनाने का मुतालबा किया गया है, जबकि माहरीन तवील मुद्दती मनसूबे के साइज को 3 गुना करने का मुतालबा करते हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुतनाज़ा दौरे के बाद अमरीकी कानून साजों का एक और वफ्द ताइवान का गैर ऐलानिया दौरा कर रहा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुतनाज़ा दौरे के बाद अमरीकी कानून साजों का एक और वफ्द ताइवान का गैर ऐलानिया दौरा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस का 5 रुकनी वफ्द ताइवान पहुँचा, जहाँ उन्होंने सदर साई एन वेन से ताइपे में मुलाकात की। अमेरिका ने इस दौरे को ताइवान के लिए अपनी हिमायत की मजीद तौसीक करार दिया गया है, जबकि ताइवान की वजारत खारजा के मुताबिक ये दौरा ताइवान और अमेरिका के माबैन गर्म जोशी ताल्लुकात की वाज़ेह अलामत है। ताइवान की सदर और वजीर खारजा ने अमरीकी ऐवान कांग्रेस के वफ्द को दौरे की दावत दी थी, लेकिन उन रहनुमाओं के माबैन होने वाली मुलाकात की तफसीलात जारी नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि 2 हफ्ते कबल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी ताइवान का दौरा किया था, जिसके बाद चीन की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया था और ताइवान के गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी मशकें भी चीनी रद्द अमल ही का हिस्सा था, जो ताहाल जारी है। चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे से कबल वार्निंग दी थी। चीन की जानिब से कहा गया था कि अगर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया तो फौज को मुतहरिक कर देगा।
अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने 15 अगस्त को आम तातील और इस दिन को यौम फतह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता साल अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में तालिबान के इक्तदार का एक साल मुकम्मल होने पर 15 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने 15 अगस्त को आम तातील और इस दिन को यौम फतह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता साल अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया था। हुकाम ने अभी तक एक साल मुकम्मल होने की सालगिरह के मौके पर किसी सरकारी तकरीबात का ऐलान नहीं किया है। ताहम तालिबान के एक मकामी कमांडर ने मकामी अफगान मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इस फैसले की तौसीक अमीर हैबतुल्ला से ली जाएगी और फिर बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। याद रहे कि तालिबान ने गुज़िश्ता बरस 15 अगस्त को अफगानिस्तान के आखिरी मार्के काबुल को भी फतह करके अपनी हुकूमत के क़याम का ऐलान किया था। उसी दिन उस वक्त के सदर अशरफ गनी बगैर किसी को बताए मुल्क से फरार हो गए थे, जबकि अफगान फौज ने मामूली सी भी मज़ाहमत नहीं की थी। पंजशीर में ताहाल तालिबान मुकम्मल तौर पर इक्तदार में ना आ सके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान अमीर की जानिब से नामजद करदा अबूरी काबीना उमूर मुमलिकत चला रही है और ताहाल ख़वातीन के मुलाजमतों और लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद है, जबकि अभी तक किसी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी।